हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 10वीं की मराठी लेसन नंबर 15 खरा नागरिक। लेसन का नाम पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा ये। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, पूरा डाइजेस्ट का आंसर है। आपके कमेंट पे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ सारे, ठीक है, लास्ट यूनिट से बना रही हूँ। लेसन का यहाँ पे पैराफ्रेज जो इंग्लिश में दिया गया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख के आप ये समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी शो कर दे रही हूँ बहुत ही अच्छे से, क्लियरली आप देख सको, लिख सको, ठीक है। लिख सको मतलब कि नहीं लिखना है तो भी मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट इसे पढ़ के समझ सको। तो इसे लिखने की ज़रूरत तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो आंसर तो लिखना आपको मराठी में ही पड़ेगा, लेकिन ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देख के आप लेसन को समझ सकते हो क्या है, अगर नहीं समझा होगा जिन बच्चों को उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप समझ सकते हो लेसन को अच्छे से, और फिर उसका आंसर भी आप अच्छे से लिख सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिन बच्चों की मराठी वीक होगी थोड़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हिंदी मराठी वीक होती है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे देखिए, इसके आगे का देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ ताकि आपकी बुक कंप्लीट हो सके। बार बार आपके कमेंट्स के ऊपर ही, डिमांड पे ही ये सारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ पे भी आप देखोगे तो आपने लास्ट यूनिट का बोला है तो लास्ट यूनिट से ही वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए उसके पहले, क्या कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो आपको कमेंट करना है, ओके। बन जाएगा उस पर वीडियो। वैसे भी आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं ज्योग्राफी साइंस उन सब पे भी मैं फटाफट वीडियो बनाती हूँ, कुछ 4-5 दिन के अंदर सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर देख सकते हो सर, ये जो टफ वर्ड्स की मीनिंग है वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। कोंकण रेलवे क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, लोकसभा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नोट्स एंड टिपा जो होता है आपका वही है पूरा, और ये सब लर्न करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब डिटेल में दिया गया है। वाक् प्रचार वात्यांचे अर्थ यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। सलाह देने यानी सलाह देना, ये सारी चीज़ें तो ईजी हैं क्योंकि इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हो और इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिलेगा, ओके। टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं और सब क्वेश्चन जो दिए गए हैं उधर, वो उन सब का आंसर यहाँ पे है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा इसका, यहाँ पे है इसका आंसर, यहाँ पे है। वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और इधर आंसर जो दिया गया है उसके भी क्वेश्चन साथ में दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, नो इशू। ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका नीचे आंसर है, देखते हैं हम भी पेज वाला, एक बार पूरा पेज मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई आंसर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो आपका।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सारे आपके दिए गए हैं आंसर के साथ में। सो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस से बताती हूँ, सारे आपके कमेंट के ऊपर ही, आपके कमेंट के, आपकी डिमांड पे ही सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बताइए, क्योंकि इसके पहले की भी कोई चैप्टर्स अपलोड नहीं है आपका। फोर्थ यूनिट से मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश भी, हिंदी भी, इंग्लिश और मराठी दोनों ही। इसके बाद मैं आपका हिंदी भी लास्ट चैप्टर से ही करूँगी, मतलब कुछ लास्ट 4-5 चैप्टर से, जैसे आपके कॉमेंट्स आए हैं। आपको उसके पहले के भी चाहिए तो आपको कॉमेंट करना है याद से, ठीक है। और सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो जो नहीं रहेगा, और आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, बन जाएगा। निर्धारित शब्द हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं, जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में भी और वैसे ही मराठी में भी हैं। वचन बदला, गोठा का गोठे, नदी का नदिया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। तो वैसे मैं इंग्लिश में और हिंदी में भी ग्रामर तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट यहाँ पर मुझे ईजी दिख रहा है तो मैं कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और बाकी के क्वेश्चन आंसर तो आपकी बुक से ही था, तो वो आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर के, तो जस्ट टू कमेंट, ओके, इन कमेंट सेक्शन, कि मिस हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, आप एक्सप्लेन भी करते जाइए। सो मैं फिर ज़रूर उस पर यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊँगी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा ये भी चैप्टर कम्प्लीट हो गया, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको एक दो दिन के अंदर जो भी आपके आए हैं कमेंट्स, जो भी आपकी डिमांड है, फटाफट आप अपनी बुक कंप्लीट कर पाओ, ओके, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए, लर्न करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो आपका बुक कंप्लीट होगा तभी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, कि आप लर्न भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे, ओके।